हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू द एवरेज इन्वेस्टर चैनल। आज हम देखेंगे दो स्टॉक्स, एक आईटी कंपनी है और दूसरी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट या QSR में से एक है। तो हम इन स्टॉक्स की मार्केट पोजीशन और ग्रोथ ट्रिगर्स देखेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे कि एक्सपेंसिव है, ओवर वैल्यूड है कि अभी भी है, थोड़ा लेवरेज है ग्रोथ का, और इनकी टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इनके टेक्निकल टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस। तो आइए देखते हैं पहला स्टॉक। ये लोगो उतना जाना पहचाना नहीं, लेकिन ये है सफायर फूड्स। तो सफायर फूड्स एट अ ग्लांस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजीज ऑफ यम ब्रांड्स एंड ऑपरेट्स मोर देन 400 KFC, पिज्जा हट एंड टैको बेल रेस्टोरेंट्स अक्रॉस इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो इनका आप देख सकते हो कि श्रीलंका की सबसे बड़ी QSR चेन है और इनकी सेल्स भी काफ़ी अच्छी आई है। ये सेक्टर ही काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो गया बिकॉज ऑफ क्लाउड किचन वगैरह, लेकिन इनकी ओवरऑल आप देखोगे तो ये बहुत सही मार्जिन पे ऑपरेट कर रही है और इनका डाइन इन, डिलीवरी और टेक अवे तीनों में इनका प्रेजेंस है। तो आप देख सकते हो कि इनकी रेस्टोरेंट्स भी काफ़ी ग्रोथ आई है। 437 थी FY21 में, 743 है FY23 और 30% से इनकी रेस्टोरेंट्स की काउंट की ग्रोथ आई है और इनकी सेल्स भी आप देख सकते हो कि सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आई है और एबिटडा में भी 11% पे ऑपरेट कर रहे हैं। अभी पैट भी इम्प्रूवमेंट आई है क्योंकि ये थोड़ा सा केपेक्स हैवी बिजनेस है, क्योंकि फ्रेंचाइज करना, ये करना, मैनेज करना, डिलीवर करना, तो एक फिक्स्ड कॉस्ट आ जाता है विथ रेस्पेक्ट टू एक्सपेंशन, लेकिन इन्होंने काफ़ी सही से आइए देखते हैं सफायर फूड्स का फंडामेंटल एनालिसिस। अभी भी छोटी कंपनी है, 10,000 crores के नीचे पी रीजनेबल है। ये सेक्टर में काफ़ी क्या होता है, कभी कभी अर्निंग्स नहीं आती तो पी एकदम एक्सपांड हो जाता। आप बेवियानी का देख सकते हो या फिर बेस्ट लाइफ का देख सकते हो या जुबिलेंट फूडवर्क्स का देख सकते हो। इसमें रिटर्न ऑन कैपिटल इनका थोड़ा सा कम है, लेकिन हम देखते हैं अभी नीचे देखते हैं कि कैसे परफॉर्म किया है ओवरऑल, इनके अर्निंग्स कैसे आए ओवरऑल। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके इनके कॉम्पिटिटर्स के पी काफ़ी इन्फ्लेटेड है। ये प्राइमरीली बिकॉज ऑफ अर्निंग्स नहीं आई है, इनके स्टॉक में ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं आया लास्ट 1-2 साल में, शायद कुछ स्टॉक्स में तो 3 साल तक भी कोई मूवमेंट नहीं आया। तो आप अगर देखोगे ईयरली देखोगे तो हम देख सकते हैं कि ये 2024 वाले ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये ऑलमोस्ट 2.5x हुआ है, 2.5x। तो और देख सकते हो कि काफ़ी इन्होंने ऑपरेशनल एक्सलेंसी पे काफ़ी काम किया है। इनका KFC में इन्होंने ऑलमोस्ट स्क्वीज आउट कर रहे हैं और उसमें और ग्रॉस मार्जिन का इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, लेकिन पिज्जा हट वाले में कुछ और इंप्रूवमेंट आ सकता है। वो क्लाउड किचन वगैरह काफ़ी कॉम्पिटिशन हो रहा है वाले फील्ड में, स्टिल दे हैव कंटिन्यू टू सस्टेन इट एट 18-19% विच इज हेल्दी। लास्ट 2-3 साल से सेम हो रहा है और सेल्स भी बढ़ रही है और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। अभी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 19% है और प्रॉफिट ग्रोथ 78% है, विच मीन्स दे आर ऑपरेटिंग बेटर नाउ, दे आर फिगर्ड आउट व्हाट दे वांट टू डू रियली। आप नेट नेट ROCE भी देखोगे तो अभी अप ट्रेंड पे है, तो ये लग रहा है कि बिजनेस में इम्प्रूवमेंट आई है काफ़ी। और आप ईयरली भी देखोगे, तो FIIs कंटिन्यूसली ऐड किए जा रहे हैं, प्रोमोटर्स ने स्टेक बेचा। प्रोमोटर्स में आप देखोगे तो इनका जो सफायर फूड्स मॉरिशस वाला था इन्होंने बेचा था, बट FIIs ने कंटिन्यूसली ऐड किया, DIIs ने कंटिन्यूसली ऐड किया और पब्लिक की शेयर होल्डिंग काफ़ी घट चुकी है। पब्लिक की शेयर होल्डिंग जो 23.5% होती है अभी 7% है। तो नॉर्मली जब FIIs DIIs बाई करते हैं, उनका जो इन्फॉर्मेशन आर्बिट्राज होता है वो काफ़ी हैवी होता है कम्पेयर टू रिटेल इन्वेस्टर। तो दिस कुड बी एन इंडिकेशन दैट इट्स अ टर्न अराउंड स्टोरी एंड दे हैव सीन समथिंग इन द स्टॉक विच इज वाई दे आर बाइंग हैवीली राइट नाउ। तो ये हो गया फंडामेंटल एनालिसिस सफायर फूड्स का। अभी हम लोग आ चुके हैं सफायर फूड्स के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर, जहाँ पे आप देख सकते हो कि सफायर फूड्स अराउंड एक 1530 से लेकर 1550 के रेंज पे कॉन्स्टेंटली रेजिस्टेंस ले रहा है। इसने यहाँ पर पहली बार रेजिस्टेंस लिया, फिर इस यहाँ पे अराउंड दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया, फिर तीसरी बार सिमिलर जोन्स पे वापस से रेजिस्टेंस लिया और फिर चौथी बार भी उसी जोन्स के अराउंड रेजिस्टेंस लिया। फिर हमें अराउंड मार्च 2024 में इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखने को मिला और ब्रेकआउट के टाइम हमें अच्छे वॉल्यूम्स भी देखने को मिले, बट ये ब्रेकआउट फेल हो गया और प्राइस वापस से अपने कंसोलिडेशन जोन में एंटर कर गई। अब हमें वापस से इस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और अच्छे खासे एवरेज वॉल्यूम से भी ज़्यादा वॉल्यूम से हमें ये कैंडल ने इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट करते हुए दिखाया, जिसका तो अगर आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री बनानी है तो आप इस लेवल्स पे बना सकते हो क्योंकि ब्रेकआउट ऑलरेडी हो गया। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा क्लोज टू 1450 का, जो हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट है वो है क्लोज टू 1900 का और लॉन्ग टर्म टारगेट इस पर्टिकुलर स्टॉक में रहेगा क्लोज टू 2500 का। तो आइए चलते हैं दूसरे बिजनेस की ओर, ये प्रोटीन ईगोनिक्स टेक्नोलॉजी बी। ये बिजनेस आपने सुना नहीं होगा शायद, लेकिन ये काफ़ी कॉमन चीज़ों में यूज़ होता है। ये इनका पहले 3 बिजनेस वर्टिकल्स था,
जो है टैक्स सर्विसेज, जिसमें पैन, टैक्स इन्फॉर्मेशन नंबर, ईटीडीएस वगैरह थी। डिजिटल आइडेंटिटी के बिजनेस में थे, जहाँ पे पैन इश्योरेंस है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन, ईकेवाईसी, ई साइनिंग, आधार रिलेटेड चीज़ों को वेरीफाई करने में मदद करते थे। और सोशल सिक्योरिटी एंड अदर वेलफेयर स्कीम्स, लाइक आपका नेशनल पेंशन स्कीम हुआ, आपका अटल पेंशन योजना हुआ, ये इन सब में इनका प्रेजेंस है बेसिकली। तो आप इसके अलावा ये अभी और चार वर्टिकल्स में आना चाहते हैं, जिसमें ऑलरेडी कुछ चीज़ों में फोरे हो चुका है इनका, जैसे कि ONDC में ये प्रॉपरली इनके साथ इंटीग्रेट करके सर्विसेज देना चाहते हैं। ये काफ़ी, ये बिजनेस ना काफ़ी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए इनके पास लगभग 25 साल का एक्सपीरियंस है, और इनका क्लाइंटेल इज गवर्नमेंट, सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से लेके इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इनके इनका बेसिक क्लाइंटेल है। तो अभी ये ONDC, जैसे मैंने कहा, एग्रीकल्चर, एजुकेशन और स्किलिंग वाले वर्टिकल्स में भी आना चाहते हैं, और इन्होंने ये अभी स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स कर रही है इन एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक AI एंड ONDC स्टार्ट, एमिंग टू बिल्ड लाइक फर्दर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स इन इंटरनेशनल ज्योग्राफीज अक्रॉस अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो और ये इस पे केपेक्स कर रही है, टेक स्टैक और अदर डेवलपमेंट्स में लगभग 50 करोड़ का केपेक्स भी कर रही है। आप यहाँ देख सकते हो कि टैक्स पेयर बेस भी एकदम बढ़ते जा रहा है, डिजिटलाइजेशन बढ़ते जा रहा है, एंड हाँ फाइनेंशियलाइजेशन, मतलब अभी सब काफ़ी इजी हो गया ना, मतलब KYC हो जाता है जल्दी, पर्सनल लोन डिसबर्स हो जाता है, क्रेडिट कार्ड ऑथेंटिकेट हो जाता है, एंड ऑल ऑफ इट, सबका KYC करना। तो ये वो वाली बिजनेस में तो आप देख सकते हो कि अभी काफ़ी सही परफॉर्मेंस दिया है इन्होंने, इनका आप देख सकते हो 29% की रेवेन्यू की ग्रोथ है, 12% EBITDA में ग्रोथ है 9 months एंडिंग FY 24 में, और 6% PAT की ग्रोथ है। ये ज़्यादा स्टेलर नहीं है क्योंकि ये अभी भी इनके इसमें प्रोविजनिंग का कुछ था कॉस्ट, तो लेकिन फिर भी काफ़ी सही परफॉर्मेंस कर रही है ये। इन्होंने लास्ट क्वार्टर में 1 करोड़ न्यू पैन ऐड किए, और ये सीजनल पीक की वजह से, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में पीरियड आ जाती है, और एम्प्लॉय एक्सपेंस और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट ही इनके अभी की फोकस है to support the expansion into new business verticals like ONDC. तो overall इनका आप देखें तो काफ़ी strong financial performance रहा है इनका। अभी इसके बाद इनका देखते हैं fundamental analysis एक बार। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इनका पुराना नाम मैं बताना भूल गया, ये था NSDL, e-Governance Infrastructure Limited, NSDL is just like CDSL, एक डिपॉजिटरी रिलेटेड है। तो आप देख सकते हो अभी भी छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, इसका PE भी रीजनेबल है, ज़्यादा खास नहीं है लेकिन मतलब रीजनेबल हो सकता है अगर ग्रोथ ट्रिगर्स है। तो 17.2% की ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 13.1% की है, और इसमें प्लस परसेंटेज 0% है। प्रमोटर होल्डिंग इसके बारे में हम नीचे देखते हैं, Q 0% दिखाई जा रही है। तो आप देख सकते हो कि इसमें भी ये अभी भी अपने मूविंग एवरेजेस के टुवर्ड्स ही ट्रेंड कर रहा है, अभी अच्छी खासी वॉल्यूम आई है सडनली, और ये आप देख सकते हो IPO वाले वॉल्यूम से भी ज़्यादा थी, मतलब एक मूव आ सकता है, वो जो टेक्निकल में हम बाद में बात करेंगे। अब आप देख सकते हो इसका ओवरऑल ईयरली वाला देखते हैं, तो ईयरली आप देख सकते हो एक टाइम पे इसका 898 का था, फिर थोड़ी सी डिग्रोथ आई, अभी रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, काफ़ी एक 5-6 महीने हुए, दिसंबर में शायद लिस्ट हुई थी अगर मैं गलत नहीं, दिसंबर या जान के आसपास, और लेकिन उन्होंने अच्छा पुल बैक किया उसके बाद अच्छा कम बैक किया, और आप देख सकते हो कि इनका EPS भी अभी थोड़ा सा डिग्रोथ है, लेकिन ओवरऑल इंडिया में डिजिटलाइजेशन और इंटीग्रेशन, ये जो इनका एक्सपर्टीज है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, ये काफ़ी सॉलिड लग रही है, और आप देख सकते हो कि ये काफ़ी हेल्दी ROC मेंटेन करती है 17-18% की। अभी हम लोग आ चुके हैं प्रोटीन के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर, जहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोटीन 13 नवंबर 2023 को लिस्ट हुआ था। लिस्टिंग के बाद से हमें कॉन्स्टेंट एक अप ट्रेंड इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिला, और स्टॉक ने अराउंड 1715 का हाई लगाया। 1715 का हाई लगाने के बाद एक स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में मूव करना स्टार्ट कर गया, और एक लो लगाया ऑफ क्लोज टू 966 पे, यहाँ पे सपोर्ट स्टॉक ने ले लिया। अब यहाँ पे सपोर्ट लेके स्टॉक इस बेस एक बेस फॉर्म करके यहाँ पे एक W पैटर्न फॉर्म करके ऊपर की तरफ ऑलरेडी मूव कर रहा है। जो W पैटर्न रहता है ये एक जनरली रिवर्सल पैटर्न रहता है, तो जैसे ये डाउन ट्रेंड का यहाँ पे एक रिवर्सल हो रहा है, और आप देख सकते हो कि ये W पैटर्न का ब्रेकआउट होने के बाद अब स्टॉक कॉन्स्टेंटली एक हायर हाई बना रहा है, और अभी जो रिसेंट 1200 के ऊपर के लेवल्स का हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, उस टाइम हमें अच्छे वॉल्यूम्स भी इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिले। तो अभी एक क्लियर चेंज इन ट्रेंड हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल रहा है, और एक अच्छी बाइंग इस लेवल्स पे भी आई है। आप देख सकते हो कि ये बाइंग का वॉल्यूम
प्रीवियस आईपीओ लॉन्च होने के टाइम के वॉल्यूम से भी ज़्यादा है, जो दिखाता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छी लेवल की बाइंग हो रही है। तो आप इस पर्टिकुलर काउंटर को इस लेवल्स पे खरीद सकते हो। आपका स्टॉप लॉस रहेगा क्लोज टू 1100 का और आपका जो शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा वो रहेगा क्लोज टू 2000 रुपीज़ का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और कुछ नया सीखने को मिला। दिस इज द एवरेज इन्वेस्टर साइनिंग ऑफ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।